इस प्यारी सी क्यूट सी बोट के कुछ सिनेमेटिक शॉट्स देखे होंगे। अब मैं आपको डिटेल में इसका टूर देती हूँ। बहुत ही प्यारी सी बोट है। सो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है राइट साइड पे पैटियो है। बहुत अच्छा सा बालकनी है। आप ये जो छोटी छोटी लाइट्स देख रहे हैं ये रात में जल जाएंगी, थोड़ा सा एम्बियंस दे देंगी। सोलर लाइट्स हैं ये। आराम से यहाँ पे पैटियो का पूरा फुल फील दे रही है। ये कितना प्यारा वुडन का वो लगा रखा है इन्होंने, जस्ट फॉर डेकोरेशन। फिर इस तरफ से है हमारे बोट की एंट्रेंस, जहाँ पे हम जाएंगे एक घंटी के साथ। और ये देखो कितना अच्छा डेकोरेशन, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बहुत सुंदर लगती है। सो आइए। टी डी डी डिंग डिंग ओके। सो सबसे पहले आते ही स्टार्ट में एक बेड है यहाँ पे। इस तरफ आपको दिख रहा होगा बहुत ही प्यारा कोजी सा बेड है, बहुत सुंदर है। उसके साथ प्रॉपर कंबल तकिया वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। ऑन द राइट वी हैव रेफ्रिजरेटर, काफी बड़ा सा अच्छा सा रेफ्रिजरेटर है। हमने कुछ कुछ जो हम घर से लाए थे वो हमने इसमें फिलअप कर दिया है। आफ्टर दैट यहाँ नीचे की तरफ थोड़ा बहुत सामान है रखने के लिए, एंड छोटा सा फैन दिया है वेंटिलेशन वगैरह के लिए। और साथ ही में ये कुछ हैंगर्स दिए हैं छोटे मोटे कपड़े टांगने के लिए। बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। फिर इस तरफ आते हैं, ये आता है हमारा किचन एरिया। बहुत ही अच्छा सा लिट किचन है, प्यारा सा। देख सकते हैं आपकी ये सिंक है छोटा सा, उसके बाद ये छोटा सा स्टैंड वगैरह देके कॉफी मशीन दी हुई है। ये इलेक्ट्रिक स्टोव है कुछ छोटा मोटा बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ दिया है माइक्रोवेव। ये जो कैबिनेट्स हैं इनके अंदर प्रॉपर सारे टूल्स हैं, जो भी किचन इक्विपमेंट्स यूज होंगे या ग्रिल पे जो भी यूज होगा वो सारी इनके अंदर है। बहुत ही अच्छे से एक्स्ट्रा टिश्यूज वगैरह सब कुछ इन्हीं कबर्ड्स में। उसके बाद इस तरफ है वॉशरूम। Nice. ये छोटा सा पॉट, यहाँ पे भी मिरर वगैरह लगा हुआ है, प्रॉपर बॉडी वॉश शैम्पू वगैरह। और यहाँ पे है शावर अंदर की तरफ। नाइस। उसके बाद ये कितनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है, हर जगह ये इस टाइप का लगा रखा है। यहाँ पे इवन वहां पर भी लगा रखा है इस टाइप का। सिंस पूरा ऐसे nice. सी पे मरीना और इसका बीच और ऐसे वाइब्स है, इसलिए पूरा इस टाइप का डेकोरेशन दिया हुआ है। इवन आप ये छोटा सा स्विच अगर नोट करेंगे तो इस स्विच पे भी इन लोगों ने कितना अच्छे से ये देखो बीच की चप्पल और ऐसा nice, डेकोरेशन किया हुआ है। बहुत अच्छा सा ब्लू पूरा थीम में बनाया है, चाहे फ्रिज बेडशीट या कॉफी मशीन कुछ भी देख लो, सब ऐसे सी ब्लू। ये भी ब्लू है, सब कुछ ब्लू माइक्रोवेव, तो सब कुछ सी ब्लू के कलर का है। नाउ लेट्स कम इनसाइड हमारे बेडरूम में, आइए। तो ये है हमारा बेडरूम, प्यारी सी डेकोरेशन है एक पेड़ के साथ। अगर आपने हमारी वीडियोस कुछ देखी होंगी तो हमारे घर पे भी हॉल में एक ऐसा ही पेड़ है जिसमें ऐसी लाइटिंग yes. है, सो वी फील लाइक होम। उसके बाद सी हाउ इंटरेस्टिंग, बोट चलाने वाला लिवर भी है यहाँ पे, सी चाबी भी है भाई बोट की, ये री और ये वाला लिवर भी है प्रॉपर। मतलब ये जो बोट ऑपरेट होती होगी जब ये ऑपरेट, मतलब जब ये चलाते होंगे तो यहीं से ये पूरी ऑपरेट होती थी। yes. उसके बाद इस तरफ भी एक बेड दिया गया प्रॉपर सेम उसी स्टाइल का, एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे कुछ विंडोज भी है बाहर का व्यू लेने के लिए। सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज लुकिंग, वेरी नाइस। और इसी के साथ यहाँ पे एसी भी है। हाँ एसी, और सेम है कैसा एसी हॉल में भी था, फ्रंट मतलब में, फ्रंट में सबसे पहले। राइट right. और एक एक चीज दिखाऊं मैं बहुत अच्छी हाँ, सी एक और एक और ये देखिए, जब ये बोर्ड बनी होगी तब की फोटो है ये पुरानी। नाइस वाओ। और ये ऑपरेशन मतलब नदी के बीचों बीच जब है जब ये चलाते थे। और ये कितना प्यारा है यहाँ पे पूरा डेकोरेशन, कैसी सी शेल्स हैं पूरी, सब में पूरे में शेल्स पड़ी हैं ये ऊपर। वाओ यार, इवन इस तरफ भी आहा। इस तरफ भी सारी शेल्स हैं, सारी शेल्स हैं। नाइस। उसके बाद इधर पे आप अगर देखेंगे तो इस तरफ अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा ये लैंप भी है या। जो की टच से चल रहा है।
और उसी के साथ भाई किसी चीज की कमी नहीं है, ये है क्या बोलते बेडरूम है तो टीवी भी है, देखिए टीवी भी है, जो भी आपको देखना है, नेटफ्लिक्स देखना है, हुलू देखना है, डिज्नी देखना है, प्राइम देखना है, सब कुछ देख सकते हो मस्त आराम से। यहाँ पे रिलैक्स करो, यहाँ पे टीवी देखो और यहाँ से बाहर का व्यू लो। नाइस यार, वंडरफुल। देखो बगल में यॉट्स खड़े हुए हैं। तो और ये एक ऐसा सेपरेशन है हॉल और बेडरूम के बीच में जो कि बहुत ही प्यारा है। वंडरफुल, नाइस यार। ये अभी इनर टूर है पूरा की पूरा, बाहर का भी टूर करा देते हैं। चलो आइए, मैं आपको अपनी बोट का बाहर का पूरा की आउटर जो टूर है वो करा। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है इससे, ये हमारी ग्रिल है, हमको प्राइवेट ग्रिल दे रखा है। आपको कुछ भी बनाना हो, पनीर वगैरह, पनीर कुछ भी ग्रिल करना हो, कुछ भी ग्रिल करना हो आप यहाँ पे ग्रिल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी ऑपरेशन। वो सिलेंडर है, सिलेंडर को ऑन करना है सिंपली, एंड दिस इज द नॉब, इसको टर्न ऑन कर देना है, देन इट इज ऑन, सिंपल। साथ में एक ये गैस स्टोव भी है, काइंड ऑफ ए गैस है। ठीक है, आप इसको ऑन करिए सिंपल, और आप इस पर कुछ भी बना सकते हैं, किसी भी टाइप की सब्जी वगैरह आपको उठ तवे के साथ फ्राई करना है, कुछ भी आप बना सकते हैं। पैरेलली हमारी ये खड़ी है बोट। ठीक है, ये यहाँ पे एंकर जो स्टार्टिंग जो बोट है वो यहाँ से है, बस ये यहाँ पे आके फोटो वोटो खिंचा सकते हो, बढ़िया पोज दे सकते हो अच्छे अच्छे से। इतना सही सा है ना ये। और देन we have our entry from this side. अगर यहाँ पे आओगे आप, ये पूरी की पूरी बोट है, यहाँ से मेन एंट्री है, और इवन वी हैव आवर टेरिस एज वेल, ये पूरा की पूरा टेरिस है छत का, मस्त। और मेन एंट्री जो कि है हमारी यहाँ से, ये है मेन एंट्री हमारी, यहाँ से आप एंटर कर सकते हो, और वो हमारा गेट है, उस गेट के थ्रू आप जा सकते हो। हमारे पैटियो की एंट्री जो हमारा आंगन है, हमारी बोट में भी आंगन है, वो ये है, यहाँ पे अच्छा छोटा सा कोजी सा सोफा पड़ा हुआ है, एंड देन यू हैव टू गेस्ट चेयर्स अच्छे से, और हमारी बोट का पता है सेपरेट झंडा भी है ये। वो रहा। ये रहा, कितना प्यारा है। आइए हमारे साथ बोट टूर एंजॉय करिए। आहा क्या नजारा है। तो ये है यहाँ का कॉफी पॉट, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कॉफी बनाते हैं। ऑफ कोर्स आप लोगों को पता होगा, बट फिर भी छोटा सा इन हाउस है तो दिखा रही हूँ। तो ये ऐसे ओपन अप होगा, पीछे हम डालेंगे इसमें पानी, जितनी आपको कॉफी चाहिए उतना पानी डाल देना है। इसमें एक मैक्स लेवल भी सेट होता है कि इससे ज्यादा पानी नहीं डालना है, तो अभी मुझे जितना चाहिए मैंने बस उतना पानी डाला है। इसके बाद इस टाइप के आते हैं ऐसे फिल्टर्स, ये होते हैं कॉफी फिल्टर्स, ये फिल्टर जाते हैं इस पॉट में इधर पे, इस तरीके से ये चले जाते हैं फिल्टर्स। ठीक है, ये जब इसके अंदर फिट हो जाए फिर हम डालेंगे कॉफी। यहाँ पे इंस्टेंट कॉफी मतलब मिलती है ऑफ कोर्स, बट ये वाली यहाँ पे ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग, तो आई थिंक दिस मच इज इनफ, टू स्पून्स। सो ये कैसी होती है, फिल्टर्स के साथ ही बना सकते हैं, दिस इज नॉट लाइक इंस्टेंट कॉफी कैसे दूध में घोला और या पानी में घोला और बना ली। ये बीन्स फ्रेश बीन्स क्रश्ड होती हैं, तो इसलिए ये घुलेंगी नहीं दूध में या पानी में, तो ये इसी तरीके से बनानी होती है। ये गया, अब इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये ऐसे लगा देना है। ये पॉट यहाँ पे यहाँ से जुड़ा हुआ होता है, जो ड्रिप ड्रिप करके पानी नीचे आता है इसमें, तो अब मैं इसको कर देती हूँ यहाँ से ऑन। तो अब ये थोड़ा सा गर्म होगा और फिर पानी नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो अब ये कंप्लीट हो गया है, लेट्स टर्न इट ऑफ। ये ऐसी ब्लैक कॉफी पूरी रेडी हो गई है यहाँ। ठीक है, लेट मी पोर। मैंने एक कप के हिसाब से ही बनाई थी, तो
जितना पानी डाला था सी, इतना ही पानी डाला था मैंने और इतनी ही बनी है। तो नाइस। अब इसमें ये है कि कुछ लोग ब्लैक कॉफी प्रेफर करते हैं तो ऐसी पी लें, कुछ लोग ऑफ कोर्स क्रीमर के साथ प्रेफर करते हैं तो क्रीमर, इफ नॉट क्रीमर, क्रीमर और शुगर सब कुछ डाल सकते हैं। सो मैं तो ऑफ कोर्स क्रीमर के साथ पीने वाली हूँ। तो ये है क्रीमर से, क्रीमर यहाँ पे मिल्क इतना इजीली नहीं मिलता, मतलब ऐसे छोटे से जो होती हैं प्रोवाइडेड उसमें, ऑफ कोर्स घरों में तो होता है बट यहाँ पे तो जनरली यहाँ पे लोग कॉफी में ना क्रीमर यूज करते हैं। तो ये जाएगा क्रीमर, क्रीमर इज नथिंग बट जस्ट लाइक अ मिल्क पाउडर इन डिफरेंट फ्लेवर्स। जाएगा जितना मुझे चाहिए ना, मैं देख लूंगी दिस लुक्स गुड और मुझे कितना दूध चाहिए उसके हिसाब से मैं डाल लूंगी। दैट्स इट। और अगर किसी को चीनी चाहिए तो फिर चीनी भी डाल सकते हैं। आई विल स्किप इट। और ये रेडी है हमारी कॉफी।